आपका रात्रि क्लास है। आठ नौ चौसठ मम्मा किसके पास बैठी है? बाप दादा के पास। और भी किसको बताना है कि मम्मा किसके पास बैठी है? सभी ने एक साथ जवाब दिया। अरे एक एक करके बोलो ना। ओ बेटी किसके पास बैठी हो? कहा पिता के पास। वंडर नहीं है, वंडर ये है कि हम निराकार शिव बाबा के पास बैठे हैं। क्यों? तुम्हारा कनेक्शन है ही शिव बाबा के साथ। किसी ने कहा माता पिता के साथ। लेन देन भी शिव बाबा के साथ, क्योंकि माता पिता भी एक कामन अक्षर हो जाता है। वो तो ठीक है, भले भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, कहते हैं परंतु जानते तो नहीं है ना। बाकी वास्तव में तुम्हारा कनेक्शन लेना देना सभी शिव बाबा के साथ है। और ये तो बीच में दलाल है। कौन? दादा। दलाल यानी दादा से तो कोई दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है फिर भी शिव बाबा से। लगानी है या लगी हुई है? क्या कहें? अरे मुरली कब की है? चौसठ की वाणी है। तो पूछा दिल लगानी है फिर भी किससे? शिव बाबा से। लगानी है क्यों बोला है? क्या चौसठ में दिल लगी हुई नहीं थी? हाँ, क्योंकि बाप के पार्ट की प्रत्यक्षता नहीं थी। शिव बाबा के साथ योग रखने से ही विकर्म विनाश होते हैं। शिव बाबा से ही वर्षा लेते हो।
तो इसीलिए बच्चों को कहा भी जाता है शिव बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा है जिससे वर्षा मिलता है। अगर माता पिता कहेंगे तो भी वर्षा फिर भी पिता से मिलना है। माता से नहीं मिलना है तो फिर क्यों न भूल को पकड़ लेवे। भूल को पकड़ा मना मूल को पकड़ा, मूल बात किसकी, मूल याद किसकी, मूल कैसे कहे। मूल तो जड़ को कहा जाता है, और 64 में तो दादा लेखराज में शिव माता का पाठ बजाया, नाम दिया ब्रह्मा, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय उस समय तो प्रजापिता शब्द था भी नहीं। तो मूल कहां से कहे, 64 में कहेंगे नहीं, छत्तर में कहे तो मध्य की बात हो गई। मूल आदि में होती है या मध्य में होती है, तो फिर मूल किसे कहे। अरे मूल माने जड़, शिव बाप आते हैं तो किसे पकड़ते हैं पहले पहले, तो ये मूल भी है। मूल माने जड़, जड़ माने आधार। आधार मूर्त प्रजापिता कैसे, उद्धार मूर्त तो कहे। उत्तम माने ऊपर, हर माने ले जाने वाला, ऊपर हरण करके ले जाए तो उद्धार मूर्त। दूसरों को ही ले जाए या अपने को भी ले जाए है? नहीं, वो पहले अपन को ले जाए कि दूसरों को ले जाए, पहले अपन को ले जाए। उत्त हर उद्धार तो कहे उद्धार मूर्त। आधार मूर्त पिता को कैसे कहेंगे है? पिता घर बार बसाने के लिए आधार लेता है या खुद आधार है? आधार लेता है,
तो वो मूल कैसे हुआ, जड़ कैसे हुआ? सुप्रीम सोल बात के लिए तो वो आधार हुआ प्रजापिता। जो बोला है ब्रह्मा बहुतों के नाम है, उनमें भी परम ब्रह्म कौन है जिसमें पहले पहले आते हैं? जो बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो यज्ञ के आदि में भी साक्षात था या गुप्त था? तो अब बताओ किसके पास तुम बैठे हो? है 64 की मुरली है, है? कहे शिव बाबा के साथ है। अरे जो आदि में है वो मध्य में होगा या नहीं होगा? कहेंगे शिव बाबा के संग बैठे हो, क्योंकि ये वंडरफुल बात है। कहते ही हैं शिव बाबा, शिव को बाबा कहते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं बाबा? ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं? है बाबा। धर्म पिता है पिता, उनमें प्रजापिता भी आ गया और उसका भी पिता, प्रजापिता का भी पिता शिव बाबा। तो बम्मा किसके साथ बैठी हो? मम्मा ने जवाब दिया शिव बाबा के साथ। ये भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो। कौन कौन कहते? ब्रह्मा बाबा भी कहते, शिव बाबा भी कहते हैं कि मुझे याद करो। दोनों के कहने में कोई अंतर है? है? ब्रह्मा भी कहते शिव बाबा को याद करो और शिव बाबा भी कहते मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते हैं कि माता पिता को याद करो। क्यों? क्यों नहीं कहते? है माता पिता में फर्क क्यों कर दिया? क्योंकि माता पिता अलग अलग पर्सनैलिटी होता है। हाँ। माता आधार है और पिता बीज है। दो को याद करने के लिए नहीं कहते, एक को याद करना है। वो भी कहते हैं मुझे याद करो।
क्योंकि वर्षा तुमको मेरे से मिलना है। कब है मिलना है मना कब? भविष्य में। किससे मिलना है? मेरे से। तो मीडिया हुआ या नहीं हुआ है? किसी के द्वारा वर्षा मिलना है ना। अच्छा, तुम बच्चे भी जानते हो कि सिवाय शिव बाबा के दूसरा तो कोई भी नहीं समझा सकता कि कल्प कल्प जबकि शिव बाबा आते हैं तो भी शिव का मंदिर है। भले कल्प कल्प आते हैं तो भी यादगार मंदिर है। शिव बाबा के साथ कोई मम्मा नहीं बैठी हुई है। कहाँ है? कहाँ की बात बताई है? कहाँ की बात बताई? मंदिर की बात बताई ना। शिव बाबा के साथ मम्मा नहीं बैठी हुई है, अकेला बैठा हुआ है। दूसरे जो हैं, उनके साथ प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं बरोबर। शिव के मंदिर में दूसरे कौन होते हैं? हैं? देवी देवता है, प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं ना। दोनों बैठे हैं परंतु यहाँ तो बच्चों का कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। बाबा कहते हैं ना, तुम ऐसे चिट्ठी नहीं लिखेंगे मात पिता की और किसके नहीं। शिव बाबा कह ब्रह्मा कुमारिया, तो तुम बच्चों को सदैव शिव बाबा ही याद रहे, ये दलाल याद न रहे। ये बाबा भी कहते हैं इनमें आता हूँ, इनके द्वारा तुमको वर्षा देता हूँ। तुम्हारा हथियाला भी गुप्त बांधा हुआ बांधा जाता है, दलाल भी गुप्त सौदा करते हैं। हाथ हाथ में ऐसे ढक करके सौदा करते हैं। तुम्हारा भी गुप्त सौदा है किसके साथ? शिव बाबा के साथ। खुद वही गुप्त रह करके दलाल बनकर तुम्हारी सगाई अपने साथ कराते हैं। या योग अपने साथ लगाते हैं तो तुम कहेंगे भी ऐसे कि हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। अब कौन सा शिव बाबा जिसके आगे बैठे? भविष्य की बात, वर्तमान की बात या पास्ट की बात?
तुम कहेंगे भी ऐसे। शिव बाबा तो सबका बाबा है ना, सबका बाप वो हुआ निराकार। वो कह के कहां इशारा किया? सबका बाबा वो हुआ निराकार, कहां इशारा किया? आने वाले पार्ट कब? 76 में निराकार हो गया है? हो गया निराकार? हुआ? ऐसे तो नहीं कहेंगे निराकार हो गया, क्योंकि बाबा तो डायरेक्शन देते हैं। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। ये ड्रिल लगातार करते रहो। तो सबका बाप वो हुआ, वो माने किस तरफ इशारा किया, कहां के लिए इशारा किया है? वो हुआ माना वहां के लिए इशारा किया, जहां के लिए अब बोला, जो देखे जो सुने उसके मुख से, उसके मुख से निकले मेरा बाबा आ गया, वो निराकार होगा साकार होगा या आकारी होगा? निराकार में और आकारी में क्या अंतर? आकारी मनन चिंतन मंथन वाला हुआ, मनसा की स्टेज वाला हुआ, मन चलता है, और निराकार का मन चलने की दरकार है? हैं? क्यों दरकार नहीं? इसलिए कि वो तो इस सृष्टि पर आता ही है, दूसरों का 500-700 करोड़ बच्चों का जो मन चंचल हो गया है, उस मन को एकाग्र कराने के लिए आता है। तो दूसरों का कराने के लिए आता है तो मैं उसका मन खुद कैसा होना चाहिए? हैं? जरूर एकाग्र होना चाहिए। इसलिए ये वंडरफुल बाप है, और ये वंडरफुल बात है ना कि कौन तुमको मुरली सुनाता है? शिव बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? अरे प्रजापिता ब्रह्मा मुरली सुनाते हैं। ब्रह्मा भी साकार, प्रजापिता भी साकार। ब्रह्मा भी पतित और प्रजापिता भी वो मुरली सुनाते हैं। तो हो गया डब्बा गोल। कहेंगे शिव बाबा सुनाते हैं। कोई पूछे कहाँ है? हैं? कोई पूछे ये शिव बाबा जो तुम्हें मुरली सुनाते हैं वो कहाँ है? कहेंगे ये गुप्त है इनमें। किनमें? हैं?
प्रजापिता ब्रह्मा में, वो आकर के खुद भी कहते हैं मैं इस लांग बूट का आधार लेता हूं। क्या इस लांग बूट का है आधे से अंत तक का जो खेल पाठ पूरा वो आकर के खुद भी कहते हैं मैं इस लंग बूट का आधार लेता हूँ। ये हमारा टेम्पररी लैंडलॉर्ड है। कौन? ये बाबा समझाते हैं ना, तो जरूर इनको बहुत अच्छा किराया भी मिलता है ना। इनको क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कहा? दोनों के लिए। बड़े आदमी जब आते हैं या बड़े बड़े राजाएं जब किराए पर लेते हैं तो वो लोग 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपया महीने का खर्च कर देते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान लेते हैं। यहाँ कौन है बड़ा? अरे दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? प्रजापिता सबसे बड़ा दुनिया में। प्रजापिता में कोई और आता है तो प्रजापिता बड़ा, या जो उनमें आता है उनमें आकर के उनको कंट्रोल करता है, पढ़ाता है, वर्षा देता है, वो बड़ा। तो ये देखो कितना बड़ा बाबा कहते हैं मैं कितना ऊंचा हूं। तो मुझे फिर शरीर तो अच्छा चाहिए ना। कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए ना। अरे अच्छा शरीर किसे कहे? खांसी खुल्लम वाला है, हार्ट कमजोर हो, फेल हो जाए, वो जर्नी पूरी करा दे, है? पूरा काम करवा दे, आधे महीने तक का। खराब लीवर वाला है, रास्ता पूरा तय हो जाए बूट से, बिना इच्छा वाला शरीर चाहिए। नहीं, ये तो कॉमन बातें हो गई दुनिया भी। शरीर से पुरुषार्थ किया जाता है ना, तो ये शरीर पुरुषार्थ करने वाला ऐसा लचीला चाहिए जैसे धनुष होता है ना, है? जितना लचीला धनुष होगा तो प्रत्यंचा भी अच्छी खींची जाएगी और बाण भी दूर तक जाकर गिरेगा। तो ऐसा अच्छा पुरुषार्थी शरीर चाहिए, इसलिए शास्त्रों में कौन सा धनुष प्रसिद्ध है? शिव का धनुष प्रसिद्ध है। कहते हैं गदीच ऋषि की हड्डियों का बना हुआ था। गदीच ऋषि की हड्डियों से इंद्र का वज्र भी बना था। तो देखो
कैसा अच्छा शरीर चाहिए, कैसा लचीला, ऐसा लचीला धनुष रूपी शरीर चाहिए जो ऐसा अच्छा पुरुषार्थ कर सके जैसा बाबा कराना चाहते। तो ऐसे मकान का भाड़ा भी तो अच्छा देना पड़े, भाड़ा किस लिए है? अरे पुरुषार्थ करेगा अपने लिए करेगा कि शिव बाबा के लिए करेगा? अभी तो एक जन्म के लिए बंधा है, मान है ना पति दुनिया से कमल बनाने के लिए, तो सही हाँ, नई दुनिया बनाने के लिए शिव बाबा आया हुआ है, पुरानी पतित दुनिया को चेंज करने के लिए आया है, तो छोटा मोटा काम है क्या? सबसे बड़ा धर्म पिताओं ने वो काम किया क्या? कर सके नहीं कर सके। तो बड़ा अच्छा मकान चाहिए। आठ नौ चौसठ की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, ये जरूर है कि आता हूँ पतित देश में। कहाँ आता हूँ? पतित देश कौन सा है? पतित देश शरीर की बात नहीं, भारत देश। भारत में दक्षिण भारत भारत का विदेश नहीं है, विदेशियों को पतित कहेंगे भारतवासियों जैसा। अगर विदेशी या भारतवासी जो विदेशी कहे जाते दक्षिण के, उनकी परंपराएं अलग है, भाषा अलग है, तो भगवान को पहले पहचानते या बाद में पहचानते हैं? विदेशी तो पहले पहचान लेते हैं। तो बुद्धि पतित हुई या पावन हुई? पावन बुद्धि है। तो ये जरूर है कि मैं आता हूँ पतित देश में, माने भारत में तो आता हूँ लेकिन दक्षिण भारत में नहीं। कहाँ आता हूँ? उत्तर भारत में आता हूँ। उत्तर भारत सारा पतित है? यहाँ तो गोरखपुर वालों की ज्यादा संख्या है? नाम रखा है गोरक्षपुर, गौओं की रक्षा करने वालों का पुर। तो पतित तो हुए या पावन हुए है? अच्छा ये पतित काम है। बोला ये जरूर है कि मैं आता हूँ पतित देश में, ऐसे देश में जहाँ की रेलवे लाइन में मोस्टली स्टेशन के नाम गंध ही गंध से भरे हुए, कमाल गंध, खुदा गंध, गुरु सहाय गंध, गुरु जी की सहायता कर देता है गंध, कायम गंध, ना अभी बंद होगी ना पहले बंद हुई ना आखिर में बंद होगी, कायम गंध, पास गंध, द्वारे गंध, मुसलमान लोग कहते हैं अली गंध। तो देखो पतित देश में आता हूँ
पतित शरीर में और कोई अनुभवी शरीर में आता हूँ। क्या पतित पने में भी कैसा अनुभवी शरीर, तभी तो कहते हैं ना ये गुरु भी किए हैं। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं, और भक्ति भी बहुत की है, और ये बच्चे भी समझते हैं बरोबर कि अभी हम जान गए हैं कि हमने भक्ति पूरी की है, तो उससे भी सिद्धि होता है बच्चों को कि जिसने भक्ति पूरी की है उनकी बुद्धि में ज्ञान भी अच्छी तरह से पूरा बैठेगा। भक्ति अधूरी तो ज्ञान भी अधूरा, पहले भक्ति पूरी करो। होते हैं ना ऐसे, ज्ञान में आते हैं और फिर भक्ति में चले जाते। जिसने भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम बैठेगा, जिसने सतो प्रधान भक्ति ज्यादा की होगी उसको ज्ञान भी सतो प्रधान ज्यादा बैठेगा बुद्धि में, और जिसने सतो प्रधान में भक्ति नहीं की, तमो प्रधान कलयुग में आकर के भक्ति की, तो ज्ञान कैसा उठाएगा? तमो प्रधान ज्ञान उठाएगा। जिसने जास्ती नंबर वार भक्ति की, ऊंची भक्ति की, तो नंबर पहले ऊंचा हो, होता है। तो ये बाप आकर के नई नई बातें सुनाते हैं, कोई शास्त्र में तो ऐसी ऐसी बातें है ही नहीं। कौरव पांडव यादव और लड़ाइयां दिखाई दी, एक तरफ में कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, वो राजयोग सिखाते हैं, दूसरी तरफ में बोलते हैं उनको 108 रानियां थी। अरे तो योगी हुआ या भोगी हुआ है? 108 रानियां थी तो योगी हुआ? बेड़ा ही गर्क कर दिया है बेचारे का। एक तरफ में तो राजयोग सिखलाते हैं, पावन बनाते हैं, फिर उन्हीं के लिए कह देवे कि उनको 16108 रानियां थी। देखो किसी की भी बुद्धि में ऐसी बातें आती हैं कि ये मनुष्य क्या कहते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य बोलो बच्चे क्या समझते हो, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इनमें कोई शक्ति है या कोई ईश्वर की प्रेरणा से काम करते हैं। नहीं, प्रेरणा कोई चीज होती ही नहीं है, उनको तो आकर के नाली सुनानी है। नाली सुनानी है
कब की बात बताई है? उनको तो आकर के नाली सुनानी है, त्रिकालदर्शी बनाना है, बनाना है, बन रहे हैं। ये बन चुके हैं, बनाना है भविष्य में, भविष्य में त्रिकालदर्शी बनाना है, अभी बने नहीं है। बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। कैसे? भूत भविष्य वर्तमान तीनों की पूरी नाली जा जाए, आत्मा को अपने पार्ट का तीनों कालों का खुलासा हो जाए, कि वर्तमान में मेरा पार्ट क्या है, एटलीस्ट आखिरी संगम युग ऊंचे थे ऊंचा, तो मेरा पार्ट भी संगम में ऊंचे थे ऊंचा। फिर भविष्य में क्या पार्ट होगा, कैसे कैसे जन्म मिलेंगे, और पास्ट में मेरा पार्ट क्या रहा। अब प्रेरणा से कोई थोड़े ही बन सकते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं जो ज्ञान का सागर हूं, पतित पावन हूं, सो मैं आता हूं इस शरीर में। नहीं तो जो मंदिर में मेरा ये लिंग रखते हैं, क्या कहा, अत्यंत पावन का कनेक्शन कहाँ जोड़ा है, कहाँ रखते हैं, कौन से मंदिर में है, हनुमान के मंदिर में, देवियों के मंदिर में, शिव के मंदिर में, जो मेरा ये लिंग रखते हैं उनका अर्थ क्या है, है? मैं जो पतित पावन हूं, पतितों को पावन बनाने वाला हूं, सो मैं आता हूं इस शरीर में, मंदिर यादगार बने हुए हैं, तो मंदिर में जो मेरा ये लिंग रखा हुआ है उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ हुआ, पतित पावन से इस लिंग का क्या कनेक्शन, अरे पूजा करते नहीं बनेगी, बड़ा पूजा के लिए पुजारी बने, शंकर रंग नहीं लगता है। अपवित्र कौन से इंद्रिय से बने, पवित्र इंद्रियों से, कौन सी इंद्रिय है जिससे अपवित्र बने, सबसे जास्ती काम इंद्रिय से अपवित्र बने, तो पवित्र भी काय से बनेंगे, है काम इंद्रिय से ही पवित्र बनेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, पतित बने अनेकों के साथ और पावन बनेंगे एक के साथ, इसलिए एक सदगुरु निराकार गाया हुआ है। गुरु नानक ने भी कहा क्या, भूत पलीती कपड़ धोए,
नहीं तो कोई बताए कि निराकार आकर के क्या करेंगे। निराकार माना बिंदी, बिंदी कैसे संघ का रंग लगाएगी। बिंदी आत्मा और बिंदी परमपिता परमात्मा, दोनों एक जैसे, तो बिंदी बिंदी के संयोग से आत्माएं पावन बनेगी है? नहीं, शरीर के द्वारा ही पतित बनते हैं, शरीर के द्वारा ही पावन बनते हैं। इंद्रियों से ही पतित बने, इंद्रियों से ही पावन बनते हैं। बोला शरीर बिगर निराकार तो कुछ काम का नहीं है। देखते हो ना कि शरीर जब छोड़ते हैं तो आत्मा अलग हो जाती है। अलग हो करके जाकर के दूसरा शरीर धारण करती है, और जब अलग है तब तो पीछे कुछ भी नहीं कर सकती है। जब तक कोई नया रूप न लेवे शरीर का, फिर भले वो शरीर गोष्ठ का ही क्यों न मिले, तो भी मिलेगा छाया रूप, मिलेगा तो जरूर। अकेली आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती है। रूह भटकती है, क्योंकि इनको रूह भी तो कहते हैं ना, तो उनको भी कहते हैं सुप्रीम रूह, सुप्रीम सोल, परंतु वो एवर सुप्रीम है। हमारी आत्मा पर ये खाद भी आती है ना, ये किसने बोला? बाप कहते हैं मैं कभी खाद में नहीं आता हूं। कौन सी खाद? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की खाद में नहीं आता हूं। भले संग करता हूं या नहीं करता हूं, है? संग तो करता हूं, लेकिन लेप छेप में नहीं आता हूं। और मेरा सिवाय आत्मा के और कोई शरीर का नाम नहीं पड़ता है। शरीर लेता हूं तो नाम बदलते हैं। शरीर नहीं है तो मेरा नाम क्या है? शिव। फिर आत्मा का ही नाम शिव है। देखो शिव का कोई शरीर का नाम है क्या? बाकी तो सबके शरीर का नाम है। 33 करोड़ देवताओं में, मनुष्यों में, या राक्षसी व्यवहार करने वाले मनुष्यों में किसी की आत्मा का नाम है?
कि सबके शरीर का नाम है। नाम ही पढ़ते हैं शरीर के ऊपर, फिर शरीर छूटता है तो फिर दूसरा शरीर, तो फिर नाम भी दूसरा, तीसरा शरीर तो फिर नाम भी तीसरा। कि तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए तो 84 नाम धारण किए हुए हैं। सबसे जास्ती नाम तुमने धारण किए। बाप तो कहते हैं मेरा तो अपना एक ही नाम है निराकार, मेरा कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। और उन्हीं बच्चों के आगे सन्मुख होता हूं जिन्हों को कल पहले भी बच्चे भी कहते हैं बरोबर हम आए हैं बाबा के पास कल पहले मुआफिक, कल्प के बाद फिर मिले हैं बाबा को। गीता में भी लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा है गीता में? हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं जानता हूं, मैंने और तुमने कल्प कल्पांतर में बहुत जन्म बहुत बार जन्म लिए। तो हम कल्प कल्प मिलते हैं। रामायण में क्या लिखा है? कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तो हर कल्प में राम का अवतार होता है तो उनके संगी साथियों का अवतार नहीं होता होगा है? अभी भी आकर के मिले हो, फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। तो ये कल्प की बात कोई कह नहीं सकता। खुश खैर फात पूछ लिया सबसे, रात को थोड़ी ठंडी पड़ेगी। वेद के बाप के इस घर में आए हो, तुम बच्चे अभी किसके गेस्ट हो हैं? बोलो एकदम शिव बाबा के डायरेक्ट गेस्ट। तो शिव याद पड़े, माता पिता वो तो ठीक है, परंतु परम पिता परमात्मा के बच्चे भी हैं और मेहमान भी हैं। जहाँ ये होगा तहाँ तुम कह सकेंगे अभी अपने बाप के पास आए हुए हैं। यहाँ अभी रहते हैं, आठ 64 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज, ये मधुबन बाप का अस्थाई स्थान कहेंगे। क्या कहा? अस्थाई स्थान कहेंगे। फिर स्थाई स्थान कौन सा हुआ? ये कोई नई बातें नहीं सुनते हो तुम, जानते हो कि ये बातें जो अभी सुन रहे हो
हम कल्प कल्प बाप द्वारा सुनते हैं। बाहर भी जाएंगे तो बोलेंगे हमारा बाबा मधुबन में है, शिव बाबा मधुबन में है। अच्छा, फिर कहां भी बॉम्बे में जाएंगे तो कहेंगे हमारा शिव बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन अभी बॉम्बे में है। जहां जहां जाएंगे वहां वहां शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, मन माता पिता भी कहेंगे तो भी याद, याद तो शिव बाबा को ही करेंगे या इनको भी माने तो भी याद फिर भी शिव बाबा को ही करेंगे। देखो बच्चे होते हैं ना तो वर्षा बाप से लेते हैं, तो वर्षे के लिए बाप को याद करते हैं। जैसे देखो कन्याएं हैं तो वर्षे के लिए किसको याद नहीं करेंगी। अगर पति के पास जाएंगी तो भी अर्धांगिनी। यहां तुम जो बच्चे हो, फीमेल हो या मेल हो, फिर ये जानते हो कि हमको शिव बाबा से वर्षा मिलना है। कन्या की आत्मा भी ऐसे कहेगी तो पुरुष की आत्मा भी ऐसे कहेगी। उनमें कन्या की आत्मा नहीं कहेगी कि मुझे कोई से वर्षा मिलता है, किनमें है? अरे दुनिया में जो कन्याएं होती हैं उनकी बात बताई। तो माता हो चाहे पिता हो, आत्मा को वर्षा बाप से मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को याद करना। प्रैक्टिस भी यही चाहिए। अच्छा, बर्थडे हम तभी कहते हैं जबकि ईश्वर की गोद ली है कि हम उनके हैं, तभी यहां ये बांटा जाता है। उन बाप के यहां नहीं बांटा जाता है। लो उठो बांटो। किसी ने कहा लाजू का बर्थडे है, आज जो मीठी ये लाजू है लौकिक गोविंद की, पारलौकिक शिव बाबा की, माता पिता की कहो या शिव बाबा की, ये उनका पारलौकिक जन्म मनाया जाता है। अच्छा चलो उठो बांटो। ये फूलों का बगीचा है ना, यहां कांटे से फूल बनते हैं। अभी अपन को समझना है कहां तक हम फूल बने हैं। माँ बाप को फॉलो करना है फूल बनने के लिए, ठीक है ना? और दीदी दादी दादाओं को फॉलो कर लिया तो फूल बनेंगे या कांटे बनेंगे? तो अंदर में खुशी है, देह अभिमान खत्म हुआ है, हम बाबा के बने और हमारे अंदर की सभी रगे खिंच करके उस तरफ में जाती है।
कहते हैं ना इनकी माँ की तरफ रगे है और इनकी रगे बाप की तरफ है। इनकी पति की तरफ रगे है तो इन बच्चों की रग कहां तक चली जाती है? बेहद के बाप के द्वारा, क्योंकि उनसे किस जन्म के लिए हमारी झोली भर जाती है। वो खुद भी कहते हैं तुम्हारी फिर से झोली भरने आया हूं। कौन कहते हैं? हैं? शिव बाबा किसके द्वारा कहते हैं? तुम्हारी फिर से झोली भरने आया हूं। किसकी है? किसकी झोली भरने आया हूं? सन्मुख रहने वाले जो 4.5 लाख बच्चे हैं उनके लिए बोला तुम्हारी फिर से झोली भरने आया हूँ 21 जन्म के लिए। इसका मतलब जो सन्मुख नहीं होते उनकी 21 जन्म के लिए झोली नहीं भरती, कम जन्म लेंगे। 21 जन्म झोली भरने के लिए सीमत पर चलना है। सीमत पर चल करके तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ऐसे देखते हो ना सामने, तुम जानते हो ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहां हम ऑब्जेक्ट सामने रखी हो और कहें कि ये है बाबा हमारी एम ऑब्जेक्ट। ए भोली, किसको बोला है? उस समय किचन में काम करने वाली भोली दादी। ए भोली, ज्ञान तो कानों से सुन रही हो, याद तो बुद्धि से करनी है। तो उसमें तुम्हारे खाने में कोई अटक नहीं पड़ेगी। भले मुख को चबाते रहो तो भी तुम कहेंगे कि हम बाप की याद में हैं। हर वक्त युक्तियां बनाते रहो बाबा को याद करने की। सबको आकर जीवन मुक्ति देते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई एक की जीवात्मा रह जाती है, है? इस सृष्टि में कोई रह जाता है जीवन मुक्ति लिए बगैर? है कोई नहीं? 500-700 करोड़ सबको जीवन मुक्ति मिलती है। हाँ, एक जन्म की तो सबको मिलती है। तो देखो एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहती है जिसको जीवन मुक्ति न मिले। सर्व का सदगति दाता, क्योंकि सब दुर्गति में हैं, तो सब की सदगति करते हैं। अगर कहें जीवन मुक्ति तो सब को जीवन मुक्त करते हैं। पहले जब आते हैं वो जीवन मुक्त हैं, पीछे जीवन बंध में जाते हैं। सतो प्रधान सतो जीवन मुक्त, कोई भी आएगा भले अभी भी कोई आवे, एक दो जन्म आधा जन्म भी लेवे तो भी वो आधा एक जन्म भी इस शरीर में जरूर भटकेगा। मीठे मीठे सिकिल्दे ज्ञान सितारों प्रतिमात पिता बाप दादा का दिल व जान
सिख व प्रेम से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट।